एज तो पूरा का पूरा चंडीगढ़ है। हर चीज फेक है उस आदमी की, घड़ी, चेन, जो शादी में दारू पिला रहा है वो भी फेक पिला रहा है, सस्ती दारू पिला रहा है। वो दिखाता है कि वो थोड़ा ज्यादा लार्ज और मैग्नानिमस है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सा कंजूस है, पैसे बचाने के चक्कर में वो कुछ भी करेगा। अगर कोई कैंपेन होगा ऑफ द अल्टीमेट फेक गाय, मतलब वो तेज खुल्लड़ है। मेरी सारी रिलेशनशिप मेरे बेटे के साथ गालियों की है। He wants to say useless burger to me, but he always confuses it with useless burger, and I have to correct him कि पापा बर्गर नहीं बगर हो। चपेट खाएगा? Right ही left, जूता चाट ले मेरा। कितनी खानी? चुप क्यों है? ससमानू खाना। क्यों है चुप? चुप करके गूखा। जो मेरे फादर हैं, जब मैं छोटा था, उन्होंने मुझे उतनी ही गालियाँ दी हैं, जितनी मैंने इस फिल्म में समीर को दी है। That is a fact. He loves Maruti's. Maruti's से बढ़कर उसके लिए और कोई कार हो ही नहीं सकती। He's that kind of a father. अगर आपने उनकी टाई भी घुमा दी या उनकी पेन भी घुमा दी, you are grounded for 10 days. ऐसे बंदे को जिसको अपनी मारुति से इतनी प्यार, इतना ज़्यादा प्यार हो, आपने उसकी कार अगर लेके घुमा दी, I think you're going to be in a lot of trouble. भाई कभी अपने आप को भी घुमा दिया कर, प्लीज। ये जरूर हॉस्पिटल में बदल गया होगा। बहुत खुशी हुई है मुझे ऐसा डायनामिक दिखाने के लिए, जो रिलेटेबल भी है एंड एट द एंड ऑफ द डे अच्छा डायनामिक। गाने की हुकलाइन है, पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है, एकदम करेक्ट है। पंजाबी होते हैं, दिलदार होते हैं, दिल खुला होता है उनका, एकदम बैटरी 24 घंटे चार्ज रहती है। इट्स रियली अ सॉन्ग दैट जेल्स वेल विद द फिल्म। सच में देखा मैंने एक जगह पे ढोल बज रहा, वहां पे ना आके बंद करा दिया किसी ने, बैंड बज रहा, ढंग टकरा टकरा, बंद करा दिया किसी ने। तीन चार अंकल थे हमारे, पंजाब की बात है, गाने का जो बेसिक एसेंस है वही हमारी फिल्म का एसेंस है। इस गाने का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि हम लोग सब बैठे हुए थे सिटिंग में, और इनके मुंह से सिर्फ ऐसे एक लाइन निकली, पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है, और सबसे पहले मैं पंजाबी ना उछलने लग गया। पंजाबियों की बैटरी चार्ज ही रहती है, वो चाहे सो रहे हों या वो जग रहे हों। चंडीगढ़ की शकीरा के लेग्स इतने सेक्सी, और उसके लेग्स की बहुत तारीफ हुई फिल्म में, तो लहंगा विल कवर एवरीथिंग, तो दे मेड इट अ पॉइंट कि आप लहंगा भी पहनाओ तो भी लेग्स दिखाओ। तो इट वाज अ शीयर लहंगा विद शॉर्ट्स इनसाइड एंड अ वेस्ट चेन एंड अ चोली, सो बेसिकली इट वाज नॉट अ लॉट ऑफ क्लोथिंग एंड इट लुक्ड ब्रिलियंट। पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है मेरा आने वाला, एंड फिल्म का नाम है डैडी दी मृत्यु। बहुत बहुत बढ़िया, चंगा गाना गाया है साडे मिक्का पाजी ने। हाय गाण दा मौका होवे, खाण दा मौका होवे, होवे कोई मर्जी या फिर कोई रुका शुका होवे, पीण विक मैं सटी लाज रहंदी हां। पंजाबियां दी कुछ लोग ऐसे हैं, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक है मीता सिंह, और वो लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारे, और उन्होंने मेरे को शुरू से काफी सपोर्ट किया। पंजाबियों दी बैटरी ही चार्ज रहती है, नहीं आ गया वो। पंजाबियों दी बैटरी ही चार्ज रहती है, चौबीस घंटे और चौबीस घंटे। मीका एंड हनी सिंह, द टू किंग्स ऑफ लाइक अल्टीमेट पंजाबी म्यूजिक, वन रैपर एंड वन लाइक हार्डकोर पंजाबी। कहते ना कि दूध का रंग सफेद होता है, तो ऐसे पंजाबियों की बैटरी हमेशा चार्ज ही रहती है, और हनी सिंह का उसमें रैप आया। आ जाओ ये ऑन द फ्लोर, मुंडे होते कुड़ी हो, यो यो दी टोली है, ते बोतल लावी खोली है, गर्ल आई गॉट व्हाट यू नीड, दारू और देसी फील, जल्दी से बता दो यारो आज रात का क्या है सीन, सो वेयर यू एट, द पार्टीज एट यो यो प्लेस बेबी, शी बॉय यो यो हनी सिंह, और मेरे डैडी की मृत्यु है। हनी सिंह की लिप सिंह में मैंने रैप किया है, जो पहले कभी नहीं किया था। Great fun. I had a blast doing it.
समीर खुल्लर, क्या बताओ, अब क्या बताओ मैं समीर के बारे में। समीर का कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर ऑफ एन अंडर अचीवर। बेसिक फिलोसफीज हैं लाइफ में, जैसे अगर चंडीगढ़ में तुम रहते हो और तुम कॉलेज जाते हो और तुम्हारे पास गाड़ी या बाइक नहीं है तो तुम लड़की नहीं पटा सकते। हर चीज़ गलती से हो जाती है उसके साथ, मतलब वो गलती से गलती करता है, फिर गलती को सुधारने के लिए भी गलती करता है। He cannot do anything right. सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए पैदा हुआ है। He always has this grudge कि यार आज तक उसके घर वालों ने उसको साइकिल तो दिलाई नहीं है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। उसके नजरिए से मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ, मेरी नजरिए से वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको देख के पता चलता है कि कुछ जानवर अपने ही बच्चों को क्यों खा जाते हैं। एक लड़की है जिसके पीछे समीर पागल है, एक साल से उसके लिए विंडो शॉपिंग कर रहा है, वो फाइनली उसको उसके साथ डेट मिल गई है। He's a very innocent, sweet boy. मतलब, you know when girls play with boys, जिनके toy boys होते हैं, he's the toy boy. Basically, ये उसकी स्टोरी है, how he loses the car, उसके बाद वो कार को वापस लाने के लिए वो क्या क्या करता है। जब मैं गाड़ी ढूंढने जाता हूँ तब मुझे एक भाई भी मिल जाते हैं, रवि किशन, प्लेड बाय रवि किशन, वो फुल अपनी उर्दू में लगे हैं और हम पंजाबी लौंडे हमें तो पता ही नहीं उर्दू क्या होती है। बच्चे हम पठान हैं, हमें जब भी चोरी की गाड़ी चाहिए होगी आप ही के पास आएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आज के बाद हम ओरिजिनल गाड़ी खरीदेंगे नहीं। उसके पास हर चीज का प्लान है, चाहे वो कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम है उसके पास प्लान है। आप हमें ना कोई ऐसी स्कीम बताइए जिसमें हम आपको 5-10 हज़ार रुपए डाउन पेमेंट दें और बाकी पूरी जिंदगी खुद को बेच बेच कर आपकी इंस्टॉलमेंट भरते रहे। सो इट्स बेसिकली अ मिस्टेक which is the part where Saqib and Sameer connect, because even Saqib is very close to being a mistake in life and Sameer is a mistake in life, so together they make a good awesome pair.